नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और देश में कल रात से CAA लागू कर दिया गया है। बीजेपी जहां सरकार के इस कदम की तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पर इसी बीच सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को क्या भारत की नागरिकता मिल पाएगी? तो हमारा जवाब है नहीं। क्यों नहीं, ये भी जान लीजिए। सीमा की नागरिकता को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आपको बता दें कि इस कानून यानी कि CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके चलते शुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। लेकिन सीमा हैदर को इस कानून का फायदा शायद ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। गौरतलब है कि इस कानून के मुताबिक सिर्फ उन्हीं गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। साथ ही सीमा हैदर पाकिस्तान से हैं और वो मुस्लिम हैं। CAA कानून के मुताबिक सिर्फ गैर मुस्लिम को ही ये लाभ मिलेगा। उनको यहाँ आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो प्रवासी मुस्लिमों को CAA के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है, यानी कि सीमा को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। साथ ही सीमा ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, जिसके कारण 4 जुलाई को उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके प्रेमी सचिन मीणा को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों से काफी पूछताछ की थी, लेकिन जुलाई 2023 को एक स्थानीय अदालत ने इनको जमानत दे दी थी। हालांकि सीमा ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के निवासी सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी रचा ली थी। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने भी अपना लिया है और अब वे सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में रह रही हैं। लेकिन इसके बाद भी उनको CAA का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो वो जन्म के आधार पर हिंदू हैं और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी, इसलिए इस कानून के तहत तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि CAA लागू होते ही सीमा हैदर ने नोएडा में अपने परिवार के साथ इसका जोरदार जश्न मनाया, साथ ही रसगुल्ले भी बांटे और तो और CAA लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। सीमा ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं, पीएम मोदी ने जो वादा किया था वे पूरा कर दिया। सीमा हैदर को तो भारत की नागरिकता से वंचित रखा जाएगा, लेकिन इस बीच CAA के लागू होने से भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में न केवल नई उम्मीद जगी है, बल्कि उन्होंने राहत की भी सांस ली है। उन्होंने कहा है कि वे बहुत खुश हैं कि उन्हें अंततः भारतीय नागरिक कहा जाएगा। तम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक कहावत है कि मोदी है तो मुमकिन है। एब्सोल्युटली मैं आई एम सेइंग फ्रॉम हार्ट दैट मोदी है तो एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। सब तय दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी का, जिन्होंने ये CAA कानून लाके और हमें पाक विस्थापित और जितने भी शरणार्थी लोग आ रहे हैं उनके लिए ये कानून पास किया। नरेंद्र मोदी, मैं तो ये कहूँगा, हमारे लिए एक भगवान का रूप है। फिलहाल देश में CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस अधिसूचना के साथ देश में CAA लागू भी हो गया है। इससे भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने CAA को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।